हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बिना तलवार चलाए जंग को फतह कर लिया था। अरे कहा ये कौम जब दरख्तों को नहीं छोड़ रही, जिंदा चबा जा रही है, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें भी जिंदा चबा जाएंगे, भागो। एक मिसवाक ने पूरा जंग फतह करा दिया, सुभान अल्लाह। आवाज साफ आ रही है शाम की के नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अब देखो मूड बना मेरा तकरीर का, अब सुनोगे ना, सुनोगे तो सुनाऊंगा ना। हाँ, अब मैं देखिए मोहब्बत ही आपकी सुना रहा हूं, वरना सुनाने का कोई मौका महल नहीं, लेकिन मैं सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह, इन सैयदों के सदके में अल्लाह ने मुझे ये फनकारी अता की है कि मैं रात के जिस हिस्से में बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बना लेता हूं। आमीन आमीन। ये रब की अता, समझ रहे हैं? अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। ए लोगो, वो नबी रहमत है, अगर तुम उसकी जिंदगी को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में रहमतें बरसेंगी, रब की रहमत बरसेगी, जमा जम बरसेगी। नबी का तरीका लाजवाब, लाजवाब तरीका, नबी से अच्छा तरीका किसी का है ही नहीं। वाह वाह वाह। 15,000 का पैंट पहन लो, सुकून नहीं। हक हक हक। मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं है मियां, नहीं है। 50,000 का पैंट पहन लो, नहीं। रात को जब सोता है, अधिकारी को देखा, कलेक्टर को देखा, ऑफिसर को देखा, बड़े बड़ों को देखा, नेताजी को देखा, तो रात को सो रहे हैं तो पैंट निकाल दिया लुंगी पहन के। अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम खुद लुंगी पहन के सोते हैं, और अगर लुंगी ना मिले तो नींद में सुकून नहीं आता है, अजीब सा बंदा बंदा लगता है। अरे भाइयों, है कह नहीं है? अच्छा, किसी भी मजहब का हो, बात है कह नहीं है? प्रोफेसर साहब को पकड़ लिया, जेंटलमैन को पकड़ लिया, क्यों रे? दिन में तो बड़ी चुस्त पैंट पहन के घूम रहा था, रात को काहे लुंगी लगा के सो रहा है? तो कहता मौलाना जी, पैंट में इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि लुंगी में सुकून मिलता है। तो पहले तो सुन लो, लुंगी पहन लो, किसी के बाबा तरीका नहीं, रसूल बाबा तरीका है। सुकून, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन, सुकून लुंगी में मिलता ना, मेरे मुस्तफा का तरीका है, सुकून नबी के तरीके में मिलेगा। डॉक्टर साहब तुम्हें भी, इंजीनियर साहब तुम्हें भी, नेताजी तुम्हें भी, कितने भी तुम जेंटलमैन बन जाओ, कितनी भी फटी पुरानी पैंटें पहन लो, लेकिन सुकून जब मिलेगा तो मुस्तफा के निराले तरीके में मिलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, लुंगी में सुकून है। बोल भाई, बात सही है कि नहीं है? आदमी पहन रहा, मान रहा, अभी इसी लुंगी को अगर सुन्नत समझ के पहन लो तो सवाब, और अगर सुन्नत समझ के ना पहनो तो जिस्म का सुकून फिर भी है। बोलो बोलो, अल्लाह नबी का तरीका लाजवाब है, लाजवाब है नबी का तरीका। डॉक्टर जी कह रहे हैं डाइटिंग करो, कम खाओ कम खाओ कम खाओ। हमने कहा क्यों खाओ? बोले ज्यादा खाने से फैट हो जाता है, पेट बढ़ जाता, वजन बढ़ जाता, फिर ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगता, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब, तुम आज कह रहे हो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया कम खाना सुन्नत है। कम खाना सुन्नत है, आज कह रहा हूं तुम, मेरे नबी ने पहले कह दिया। सुबह सुबह देखो ना, जब रोड पे निकलोगे ना शहर में, तो 70 साल का तो टहल रहा, देख लेना आप, 18 साल का भी सड़कों पर देख लियो, और कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा नहीं कर रहा क्या? मैदान में बैठ के पालथी मार के बैठा है, सीधा खड़ा हो रहा, क्या हो गया? बोले मौलाना जी तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा बता दो। कहा मौलाना जी डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह उठा करो, हवा शुद्ध मिलती है,
फिर बोले उसके बाद में एक्सरसाइज किया करो, बॉडी अच्छी रहती है, बदन में फुर्ती रहती है। मैंने कहा डॉक्टर आज बता रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया, फजर में उठा करो तुम्हारी बॉडी को शुद्ध हवा मिलेगी, और जब नमाज पढ़ोगे तो उल्टा सीधा हाथ करने की जरूरत नहीं है। कयाम में है तो खड़े वाला योगा हो गया, रुकू में है तो पीट वाला योगा हो गया, सजदा में है तो पूरी बॉडी का योगा हो गया। अरे सुन, अगर फजर की नमाज पढ़ेगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, इबादत भी अच्छी रहेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तुम्हारे अब्बा जी का तरीका नहीं है, मदीने वाले आका जी का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुसलमान उठता नहीं, मुसलमान का आजकल छोटा छोटा बच्चा पूरी रात गेम चलाता, कुटर पुटर कुटर पुटर, सुबह को पड़ा सोता रहता, 15 साल नहीं आए, चश्मा आ गया आंखों पे। किसी सहाबी रसूल को भी चश्मा लगाता देखा आपने? बताइए आप मुझे, जरूरत नहीं थी, नबी के तरीकों पर अमल करते थे। कान खोल कर सुनिए, आज 15 साल का बच्चा शहर में चश्मा ज्यादा, ये भी सुन लीजिए आप, देहात में कम है बच्चों पे चश्मा, आप ये भी अंदाजा लगाना। क्यों? शहर के अंदर रिवाज है रात को जागना, दिन में सोना, और अल्लाह कुरान में फरमाता वजअल्लैल लिबासा वजअल्लन्नहार माशा। अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया, दिन को कमाने के लिए बनाया, मगर तुमने उल्टा कर दिया, पूरी रात जाग रहे हो, दिन को सो रहे हो। आ गया चश्मा, आ गया चश्मा, करो मुखालफत नबी के तरीके। नबी का तरीका तो हर दौर में लाजवाब है, अपना के तो देखो, अगर तरक्की ना कर जाओ तो कहना अपना के। नबी के तरीके को मुसलमान हमने छोड़ दिया, नबी का तरीका। ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, जब कोई बीमारी हो जाए तो किसी आलिम से मिला करो, हजरत इसके लिए क्या करूं, वो कोई वजीफा बताएगा या नबी का तरीका बताएगा, इंशाअल्लाह अमल कर लेना, बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह, ये तो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, आगे बढ़िए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब तवज्जो करो। तुम्हारा नबी पावर इतनी रखता है, इतनी पावर, अगर नबी हाथ उठा के दुआ कर देना तो आसमान को जमीन बना दे और जमीन को आसमान बना दे। हक हक हक, कर सकता कि नबी नहीं कर सकता? कर सकता। बोलो इधर वाले, कर सकते हैं? और नबी ने कभी कभी जब आया तो करके भी दिखाया, बेशक दिखाया कि नहीं दिखाया। अब सुनो, एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, आका मैं कलमा तो पढ़ लूं मगर क्यों पढ़ लूं? सवाल कितना अच्छा था, कलमा तो पढ़ूं मगर क्यों पढ़ूं? तो नबी ने फरमाया, फिर चाहता क्या है? क्या कुछ देखना चाहता हूं? नबी हो तो पावर भी है कि नहीं है? नबी ने फरमाया, जो तू देखना चाहता बता दे, आज मुस्तफा दिखा देंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मंत्रालय होता है किसी पे, पानी का मंत्रालय, बिजली का मंत्रालय, कपड़े का, कोयले का, तो वो अपने मंत्रालय से हटकर काम नहीं कर सकता। क्यों भैया? कर सकता क्या? नहीं कर सकता। लेकिन नबी को अल्लाह ने सारे मंत्रालय देकर भेजा था। वाह वाह वाह, ये नहीं कहा कि ये कह दे, ये कह दे, ये कह दे, नहीं, नबी ने फरमाया तू बता क्या चाहता है, जो तू कहेगा अगर आज वो मोहम्मद अरबी करके दिखा दे तो कलमा पढ़ लेना। बोला बस यही तो चाहता हूँ, दिल की तशफी के लिए कुछ दिखा दो। नबी ने फरमाया बता क्या दिखाओ। इधर देखा उधर देखा कुछ ना मिला, सामने बहुत बड़ा था पुराना दरख्त खड़ा था, कहने लगा इस दरख्त को अपने पास बुला लो, अगर आ गया तो कलमा पढ़ लूंगा। कहते सुभान अल्लाह, अब बात अच्छी लगे तो मजमा से नारा लगना चाहिए, इतना कहना था। मेरे नबी ने फरमाया, अरे मोहम्मद अरबी कहे दरख्त को आ जा तो ये कोई बड़ा कमाल नहीं, हालांकि दुनिया वालों के लिए कमाल, लेकिन मोहम्मद अरबी के लिए बड़ा कमाल नहीं। जा खुद ही दरख्त के पास चला जा और जाके दरख्त से कहना, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, अगर आ जा तो कलमा पढ़ लेना, ना आए तो कलमा ना पढ़ना। अल्लाह की कसम, ये अरबी गया दरख्त से, बोला तुझे अल्लाह ने लाल ने बुलाया है, इतना कहना था, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जमीन को छीनता हुआ, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ, मोहम्मद अरबी के कदमों में गिर के अल्लाह।
क्या तो जिंदाबाद अल्लाह अकबर ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जो करना ए मेरे प्यारे तुम्हारे नबी को अल्लाह ने कितनी पावर दे के भेजा दरख्त ने जमीन को चीड़ के मुस्तफा के कदमों में गिरा और कदमों में गिर के कह रहा था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब एराबी ने ये नबी का मौजजा देखा तो कदमों पे गिर के कह रहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न अल्लाह 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 तेरे नबी की पावर देख ले। बोलो पावर है कि नहीं अभी बोलो बोलो। और जो नबी को मोहताज कह दे वो खुद को मोहताज है, वो मोहताज है नबी को मोहताज जो कहते हैं वो कान खोल के सुन ले, वो खुद मोहताज है नबी की पावर देख ले। और अगर पावर ही दिखाने पे आ जाऊं तो नबी की पावर ऐसी है कि दुनिया हैरान। बोलो मौला अली की गोद में नबी लेटे जानों पे सर रख के, मैं वो बातें बता रहा हूँ पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर नहीं कर सकते। कर दें तो गुलफाम का सर कलम कर देना खून माफ। नबी वहां की खबर देते थे जहां पहुंच नहीं पाते थे लोग, लेकिन आज का साइंसदान खड़ा हो सकता है कि अगर तुम्हारे नबी मदीना में रह के इंडिया की खबर देते थे, यमन की खबर देते थे, मिस्र की खबर देते थे, तो मेरा मोबाइल भी इंडिया में रहकर लंदन की खबर देता है। कह सकता नहीं, कह सकता भाइयों कह सकता नहीं, तो मैं वो मुअज्जा बता ही नहीं रहा, मैं बता ही नहीं रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ कयामत तक मैया का लाल कोई भी पैदा होके मेरे नबी के मौजजे के अगर बराबरी कर ले या कुछ जैसा ले आए तो गुलफाम का सर कलम कर देना खून माफ। अल्लाह मौला अली की जान पे नबी का सर है, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का सर है, क्या है नबी का सर है और अली की नमाज कजा हो रही है, सूरज जा रहा। अली कभी सूरज को देखे कभी मुस्तफा के चेहरे को देखे। अगर नबी को जगाया, अगर नहीं जगाया तो नमाज गई, जगाया तो मोहब्बत जाने नमाज गई। अब नमाज देखो के जाने नमाज देखो, कश्मकश का आलम जगाया ही नहीं, क्या किया जगाया ही नहीं। अब कुछ लोग बेनमाजी फिरका भी निकलने लगा, हाँ करे नमाज मत पढ़ो, अपने आप को जो है क्या क्या करते हैं सरकार वारिस पाक की तरफ निस्बत करके अपने आप को जो है कहते हैं हम वारसी हैं, और माजल्ला सरकार वारिस पाक ने नमाज नहीं पढ़ी। वो जालिम कान खोल के सुन ले, सरकार वारिस पाक को तकलीफ पहुंचाते हैं। सरकार वारिस पाक जैसी अगर नमाज पढ़ लो तो अल्लाह की कसम वारिस पाक के सर से मैं भी बरी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नाम करता वारिस पाक को नमाज नहीं पढ़ रहा यार, कितना तबका ऐसा मेरे पास फोन आ रहे हैं हजरत तारीख चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए नमाज नहीं पढ़ने, कह रहे नमाज तो हुसैन करबला में पढ़ के चले गए, अब नमाज की जरूरत नहीं है। अब वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते तो हम क्यों पढ़े? जालिम तुझे पता वारिस पाक की वो जात थी, अगर वारिस पाक चाहे तो फजर की नमाज मस्जिद हराम में पढ़े, ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े।
एक बार कुछ लोगों ने सरकार वाली से पाक को पकड़ लिया, हुजूर आज नमाज आपके पीछे पड़ेंगे इन जालिम ढकोसले बाबों का, आज पर्दा खोलना चाहता हूं मैं, कान खोल के सुनो, अल्लाह की कसम कोई भी वली बिना नमाज के नहीं हो सकता, कान खोल के सुन लो, जो नमाज ना पढ़ेगा वो विलायत के करीब से नहीं गुजर सकता, नमाज की तौहीन करते हैं, आज कुछ बेनमाज भी आ गए, ए लोगों जरा कान खोल के सुनो, सरकार वाली से पाक की बारगाह में बोले सरकार आज नमाज आपके पीछे पड़ेंगे, अल्लाह अल्लाह आपके पीछे पड़ेंगे, आपके पीछे चंद मुरीदों ने हौसला जुटाया, आपके पीछे देखना चाहते थे नमाज कहां पढ़ते हैं, आज के वो लोग भी कान खोलते सुने जो नमाज पढ़ने से भुले चलते हैं, मेरे बारी से पाक ने कहा अगर पढ़ना ही चाहते हो तो फिर अच्छे से वुजू करके आओ, अच्छे से वुजू करके आए तकबीर हो गई, कहा आंख बंद कर लेना और जब नमाज शुरू हो तो खोल लेना, सरकार बारी से पाक के पीछे नियत करके नमाज पढ़ना शुरू किया, आंखें बंद कर लिया, आंखें खोला तो अपने आप को हरम शरीफ में देख रहे हैं, नारे नारे पैदाने वाले पैदाने बंदूक देता अत्ते अली आमा मांदी गुलफाम दाला दाती ब्लड दाला, ये है मेरा बारी से पाक, कान खोल कर सुनो, पीला कपड़ा पहनने से कोई वारसी नहीं हो जाता ना, हरा कपड़ा पहनने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता ना, सफेद कपड़ा पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, सफेद कपड़े को पहनो तो नेताजी सबसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहनते हैं, कोई भी नेताजी की बात कर रहा हूं मैं, कोई यहां थोड़ी यहां किसी को थोड़ी नहीं कह रहा हूं, बताइए आप हमारे देश का प्रधानमंत्री जी देखो सफेद कपड़ा पहनते, और भी देख लो कपड़े में मजहब नहीं है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लिया मैं भारतीय हो गया, अब तो नमाज की जरूरत ही नहीं है, सो और वारी से पाक ने पीला कपड़ा भी नहीं पहना था, ये भी आज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी खाली का ढकोसला, सरकार वारी से पाक जब हज से वापस आए तो फिर एहराम की तरह ही चादर लपेटे रहते थे, और आपका एहराम पीला नहीं था बल्कि सफेद कलर का था, बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह, पीला की लपेटे घूम रहे हो भैया बाबा बने हुए तो सफेद पहनो ना, अल्लाह अल्लाह बदनाम करते हैं मेरे सरकार वारी से पाक को, अल्लाह की कसम वारी से पाक वो वली का नाम है, अगर उसके दर की चौखट की मिट्टी वहां की खाक अपनी आंखों में लगा लो तो मेरा विजदान कहता है अगर बिनाई खत्म हो गई हो तो आंखों में बिनाई आ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ रहा अफसर पर टोपी नहीं है, हम तो सभी हो गए, हम तो फलाने हो गए, अरे सुन ले सबसे बड़ा पीर मौला अली है, वाह वाह बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सैयद साहब के घर की बात कर रहा हूं अंदर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, मौला अली से बड़ा कोई पीर हो सकता, बोलिए बोलिए हो सकता क्या, नहीं नहीं, तू कहता मेरे हाथ का वारिस पाक दामन है नमाज नहीं पढ़ूंगा, साहब वारिस पाक खुद नमाज पढ़ते थे, तू कौन होता ना पढ़ने वाला, मौला अली के हाथ में डायरेक्ट मुस्तफा का दामन था, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, ये तो कहते हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मियां, हम तो नबी के दामाद नबी के घर वाले अहले बैत में से नबी के चचेरे भाई खानदानी और हसन हुसैन के अब्बू जी फातिमा के शोहर जी, हम क्यों पढ़े नमाज, वो सबसे बड़े पहलवान, बोलो यार सुभान अल्लाह, अली से बड़ा कोई पहलवान होगा, बोलिए होगा नहीं ना, मगर अली की नमाज सुन, मोहब्बत रसूल में सूरज तो चला गया अली की नमाज तो कदा हो गई, मगर नमाजी बहुत पक्का था, आंखों में आंसू आ गए नमाज छूटने की वजह से, मौला मेरी नमाज गई है, मौला मेरी नमाज गई है, मौला मेरी नमाज गई है, ए लोग
अगर तलवारें भी चलती होती तो अली नमाज कदा न करता, ये भी कान खोल के सुन लो। अगर पूरी दुनिया में तूफान और जलजला भी होता तो अली नमाज ना कदा करता, ये भी सुन लो। ये तो जाते मुस्तफा है कि मुस्तफा का सरे अकदास, नबी का सरे अकदास, अली की जान पर रखा, नमाज कदा हो गई, सूरज चला गया, मगर मोहब्बत इतनी है। ए लोगो सुनो, तुम कहते हो मेरा फला पीर है नमाज की क्या जरूरत है, मेरा फला पीर बख्श वाले का नमाज की क्या जरूरत है। तो मौला अली के हाथ में किसी छोटे मोटे पीर का दामन नहीं था, बल्कि इमामुल अंबिया का दामन था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अली के बेटे को करबला में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, तलवारें चल रही हैं, शिमर का खंजर चल रहा है, अमर बिन साद के कुत्ते यजीद के भेड़िए अली के लाल को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर अली का लाल नमाज पढ़ना ये बताकर जा रहा है अली का लाल जान जाए तो जाए मगर नमाज ना जाए। अल्लाह अल्लाह, ढकोसले वादियां बहुत चल रही हैं, पीरों से भी दूर रहो, ऐसे मुरीदों से भी दूर रहो। अल्लाह अल्लाह, आगे सुनो, आगे सुनो। मौला अली के आंसू जो मोती बन के आंखों से निकले, नबी के रुखसारों पे गिरे, नबी की आंख खुली, अली रोता क्यों है, आका नमाज कदा हो गई, रोना तो क्या करूं। अल्लाह अल्लाह, नमाज कदा होने पर रो रहे हैं अली, रो रहे हैं अली। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ, मोबाइल नंबर 9935055789।